यूएन के मंच पर खड़े होकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को डायरेक्ट वार्निंग दी। हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है, ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है जो जयशंकर साहब ने कहा। भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया, पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ गया? सभ्य भाषा में बेइज्जती करने में तो जयशंकर साहब उस्ताद हैं। कल शहबाज ने कहा कि भारत पीओके छीनने की तैयारी कर रहा है, और आज जयशंकर ने बता दिया कि हाँ, पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना है। द इशू टू बी रिजॉल्व बिटवीन अस इज नाउ only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. जयशंकर और योगी ने मिलकर पाकिस्तान का डर बढ़ा दिया है। डंके की चोट पर ऐलान हो गया है कि पीओके लेकर रहेंगे। अब हम इससे क्या बात करें, इसे हमारी जमीन से, यानी कि पाकिस्तान ने जो हमारी जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है वो खाली कर दीजिए। सीधे सीधे बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली कर। लेकिन आई एम ग्लैड कि ही मेंशन्ड हिज नेम, राइट, लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ क्योंकि बुरहान वानी जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, वो हीरो है हमारा। इट कांट ब्लेम द वर्ल्ड, दिस इज ओनली कर्मा। उन्होंने कर्मा वर्ड भी यूज किया, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्म। ऐसा कुछ नहीं होगा कि दुनिया उठ खड़ी होगी और कहेगी लो जी ये तो पाकिस्तान को धमकी दे दी, भारत ने तो पाकिस्तान को धमकी लगा दी कि आजाद कश्मीर हम टेक ओवर कर लेंगे, लो बात करो भाई, भारत से बात करो। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हुई हैं उनकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, और अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है, और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच का रिप्लाई किया है, और वो रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है, उनका ये इनका कर्मा है। और कर्मा किसको कहते हैं, कर्मा, ये कर्मा किसको कहते हैं, कर्मों का फल। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है ये इनके कर्मों का फल है। तो इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है और उन्होंने तो कर्मा कह दिया। अच्छा, अब मैं देख रही थी कि ये जो उन्होंने लफ्ज बोला है, एक तरीके से देखे ना, ये एक होता है कि आप पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था, और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच, उन्होंने बहुत लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है ये तो पाकिस्तान के बारे में, तो उन्होंने एक शॉर्ट आप कह लें पैराग्राफ या एक ऐसा के जो शॉर्ट पार्ट है जिस जो उन्होंने बोला, चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गाजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया, आपने कर्म ही कह दिया, डॉक्टर जयशंकर ने कर्म ही बोल दिया, उन्होंने कही कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया, जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया, और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा, कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना कि चाइना के लिए भी कहा है, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा ये, जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। इंडियाज जयशंकर क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान चाइना एट UN साइट्स कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया, लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवस्सुत से, इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे उसका नाम लिखकर, तो वो बहुत वायरल जाएगी, क्योंकि अब वो भी इसको, हालांकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, एम आई राइट, मैं सही कह रही हूँ ना, कि
ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कर्मा, तो चाइना समझ रहा है उसके लिए भी कहा है, वैसे इनडायरेक्टली तो चाइना के लिए भी कहा ही होगा ना। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो बात की गई है वो हुआ क्या, उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है, कंट्री इज मेकिंग ए कॉन्शियस चॉइस ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। मतलब जानबूझ के दुनिया के स्टेज पर आप पीछे रह जाएं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई कंट्री जो है वो ऐसा कर सकता है कि जानबूझ के? उन्होंने कहा है कि ये कॉन्शियस चॉइस है इनकी ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। और वैसे भी फिर साथ उन्होंने कह दिया ये जो आपका किया धरा है, कर्मों का जो फल है वो सामने आ रहा है। अब देखिए वो ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है वो तो जाहिर है कि इसके ऊपर बेशुमार लोग बिलीव करते हैं, जो आप करते हैं वो आपके सामने आता है। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर ने ये बात की है, वो बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि वो जो है वो बात कर रहे थे, देखिए आपको पता ही है ना, वो दहशतगर्दी पे भी इससे पहले बात की। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन बात को, हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है, ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है। जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है, और जाहिर है कि वो शबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मैं तो बोल के आ गया तो ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, ये अभी भी जो हम बात करते चले जा रहे हैं। इसकी वजह ये कि ये तो वो कहते हैं ना कि एक सुनार की तो कि पाकिस्तान की तो कोई रेपुटेशन नहीं है, टेररिज्म करवा रहा है भारत के अंदर, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर है, और एक जो लफ्ज, एक जो स्टेटमेंट उनका बड़ा वायरल हो रहा है, हिपोक्रेसी एट इट वर्स। हमारा सवाल ये है कि जब भारत की इतनी कम पुत्री भविका ने शहबाज शरीफ की स्पीच को रिस्पॉन्ड किया, तो पाकिस्तान से कोई डिप्लोमेट वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहां गया, पाकिस्तान का स्टैंड कहां गया? या तो शहबाज शरीफ साहब बोल के चले गए, और दूसरा पॉइंट यह है कि पाकिस्तान को फर्क ही नहीं पड़ता, भारत जो मर्जी के है दुनिया के सामने। तो जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, इसके ऊपर आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। इंडिया बोलता है तो दुनिया इस वजह से सुनती है कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया है। ठीक है, अभी तक इंडिया इस काबिल बन गया है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सके। ठीक है, हम पाकिस्तानी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस कदर हम मफलूज हो गए हैं कि हम अपने फैसले भी नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरी कंट्री के बारे में हम क्या जाके अपनी राय देंगे? वहाँ पे जाके हमारे वजीर आजम साहब जो है वो फलस्तीन कश्मीर इंडिया बस करते रहे हैं, अपने अपने बारे में, अपनी आवाम के बारे में। जो यार शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए था कि भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने दहशतगर्दी हमले हुए, हमारे पाकिस्तान के कितने लोगों की, मासूम लोगों की जाने गई, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे, वो नहीं किया। इंडिया इंडिया कश्मीर कश्मीर इंडिया को जवाब देंगे, चार जंगों में क्या जवाब दे दिया हमने? पहले हमारे साथ यही हुआ है कि हमारा किसी उस जंग में हमारा तल्लुक भी नहीं था, फिर भी हमारे 80,000 लोग मारे गए हैं, उनका अभी तक हमें कुछ जवाब नहीं मिला कि वो क्यों मरे हैं लोग, वो क्यों शहीद हुए हैं। अभी तक ड्रोन अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, अभी तक पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, उसका हमें कुछ जवाब नहीं मिल रहा। और हम जाके बात कर रहे हैं, हमने अभी भी मकबूजा कश्मीर पे बात नहीं की, अभी हमारे वजीर आजम साहब आजाद कश्मीर पे कह रहे हैं कि अगर आजाद कश्मीर पे इंडिया ने हमला करने की कोशिश की तो हम जवाब देंगे। आप क्या जवाब देंगे? सही बात है, इस पे आ जाए, क्या जवाब देंगे? आप मकबूजा कश्मीर की बात करें पहले, आप अपने पाकिस्तान की बात करें कि आपके पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, तब जाके पहले आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें, तब जाके आप यूनाइटेड स्टेट में जाए, जहाँ भी जाए आप फिर बात करें। अच्छा, आपकी बात इंडिया की जानिब से जो शहबाज शरीफ की स्पीच पे जो जवाब दिया है, वो इंडिया की बड़ी ही कम उम्र बेटी है भविका नामी, इतनी कम उम्र लड़की को उन्होंने यूनाइटेड नेशन में लॉन्च किया, और उसने जिस तरह पाकिस्तान के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और बोला कि हिपोक्रेसी की भी हद है, फिर हमारी जानिब से कोई नहीं बोला? वजह ये है कि हम अभी तक हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमी है वो आप सबके सामने है, हमें मिल रही है बीग IMF की तरफ से। हाँ। अब हम उस पे भंगड़े डाल रहे हैं, किस खुशी में भंगड़े? उन्होंने कर्मा वर्ड भी यूज किया, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। खैर, हो भी सकता है, और जहां तक डॉक्टर जयशंकर की बात है तो जाहिर है कि मैं तो उनकी क्योंकि बहुत बड़ी फैन हूं, तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि डॉक्टर साहब ने गलत कहा है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने रटी रटाई वही बात की जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का UN में जाकर करता है, तो इसलिए मुझे कोई खास हैरत है ना, कोई एक तरह का अफसोस है ना कुछ है, बल्कि एक आम सी बात थी जो शहबाज शरीफ साहब ने कही, और हर प्राइम मिनिस्टर यही बात करता है पाकिस्तान का कि जाकर कश्मीर इशू को हाईलाइट करना। कुछ नहीं होगा कि दुनिया उठ खड़ी होगी और कहेगी लो जी ये तो पाकिस्तान को धमकी दे दी,
भारत ने तो पाकिस्तान को धमकी लगा दी कि आजाद कश्मीर हम टेक ओवर कर लेंगे, लो बात करो भाई, भारत से बात करो, इंडिया से बात करो। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि कोई कंट्री आपके साथ नहीं है, सबके सब कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया भारत के साथ है, क्योंकि उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। ये पैसे का मामला है सर, आप क्या बातें करते हैं, पैसा पैसा तू करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, पूरी दुनिया पैसे पर ही मरती है। कोई अपना बिजनेस त्याग कर छोड़ कर उस पे लात मार के वो कहेगा कोई बात नहीं, अगर मेरी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडिया के साथ ट्रेड है तो कोई मसला ही नहीं है, मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये तो हमें धमकी दे रहे हैं, मोदी साहब ने धमकी दी है कि वी विल टेक ओवर योर आजाद कश्मीर, ले लेंगे हम तुमसे तुम्हारा आजाद कश्मीर, राजनाथ सिंह ने धमकी दी हम तुमसे तुम्हारा आजाद कश्मीर छीन लेंगे, तो इस पे दुनिया क्या आपका साथ देगी, आपके साथ खड़ी हो जाएगी स्पीच के बाद? आप खुद भी जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, मैं ये तो वो सच है, सभी को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। फिर आप ये कहते हैं देखो जो यूनाइटेड नेशंस है वो सही काम नहीं कर रहा, ये जो है ये अपने इनके अपने एजेंडाज हैं, ये गरीब मुल्कों को पूछते नहीं है, और भाई आप गरीब ना हो ना, प्रॉब्लम ये है कि गरीब होने के साथ साथ उन्हीं से तो पैसे ले रहे और उन्हीं से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, फिर उनको हम आंखें तो नहीं दिखा सकते, एक ही काम हो सकता है ना। तो देखिए इसके अंदर जो है ना, अब मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है, मतलब मजे की कह लें या दिलचस्प बात कह लें या उसको जो भी कह लें, कि जो अरब कंट्रीज है वो भी इस स्टेटमेंट पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं क्या? वहां पे जो जो गया उनसे कईयों से कोशिश की गई वो चुप रहे, वो एक मेरा ख्याल है किसने, ईरान के प्रेसिडेंट ने, ये कोई एक था जिसने इसके ऊपर बोला, बाकी सब जिनसे भी कभी बात की जाती है उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर यस यू हाँ हूँ नहीं आती, वो जो भी बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई आपका मसला आप हल करें, कौन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और बात तो वही है कि ये जो है ना, ये आप ये भी जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान और जो कश्मीर है और जो बलूचिस्तान है उसके ऊपर तो आपके मुल्क के अंदर जो जो कुछ हो रहा है और जो बातें हो रही हैं, पहले उसको तो हल कर लें, पहले उसको हल करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आपके अपने घर के अंदर ही इस तरह का हो रहा है तो फिर दूसरे जो है आप जिसको दुश्मन कहते हैं, सोल्ड कॉल्ड दुश्मन, वो तो कही गई है। अच्छा अब वो वैसे अगर आप देखें तो इस तरह की स्टेटमेंट, बल्कि कई दफा उनकी तरफ से ऐसा भी कहा गया कि भाई हमारा जो स्टैंड है वो इस तरीके से नहीं है कि हम किसी पर हमला करेंगे और कब्जा करेंगे, वो इसको किस तरह कहते हैं उसके ऊपर भी हमने कई दफा बात की है। लेकिन एनीवेज भाई ये जो है ना तकरीर, ये चल सके, इस वक्त 370 हुआ उस वक्त तो आपने ना मुक्के चलाए, ना मेज पर मुक्के मारे आपने, ना आपने यूएन में जाके जो है ये, मतलब उस वक्त तो आपको एक्शन अगर आपको लेना था, अगर आप समझते हैं कि आप ये जो मुद्दा है ये लेकर आप जा सकते हैं यूनाइटेड नेशंस में, सिर्फ स्पीच के अलावा भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो ये कहता है कि भाई ठीक है अगर फिर दोनों मेरे पास आते हैं तो फिर ये देखकर आना चाहिए दोनों को कि ये किस तरह हल होगा मामला, क्या पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सिचुएशन है ऐसी। और वैसे भारत के कान पर जू नहीं रेंगने वाली इस तकरीर से, ये तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, उन्हें ये ऑलरेडी पता था। देखिए ना ऑब्वियसली ये इंडिया को पता था कि जब पाकिस्तानी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में यहां पर पहुंचे हैं, यहां पर जो स्पीचेस हैं तो उसमें जब शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर स्पीच करेगा, तो हाउ कम के वो कश्मीर की बात किए बगैर वो कर ले बात, ऐसा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये इंडिया वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि वो तो ये बराबर कहते रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर की रट लगाई हुई है, पहले अपना मुल्क तो संभाल। सुबासे साहब एक मेला सजा, दुनिया के लीडर्स ने शिरकत की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी भरपूर अंदाज से एक मुकदमा पेश करने की कोशिश की, चाहे वो बात पैलेस्टाइन की हो या कश्मीर की हो, आपकी नजर में क्या हम हक अदा कर पाए हैं? देखिए जहां तक शहबाज शरीफ साहब की तकरीर का ताल्लुक है, उनकी दूसरी तकरीर थी बहैसियत वज़ीर आज़म के जनरल असम्बली में, तो तकरीर तो ठीक थी ओवरऑल, बुरहान वानी का नाम तक भी उन्होंने ले लिया, विच वाज अ सरप्राइज फॉर मी, लेकिन क्या ही अच्छा होता क्योंकि लोग जरा थोड़ा सा नहीं था, नहीं ठीक किया उन्होंने बिल्कुल, मैं तो खुश हूँ कि उन्होंने ये किया, और hats off to him. I wasn't expecting this, लेकिन I'm glad कि he mentioned his name. लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ क्योंकि बुरहान वानी जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है, वो हीरो है हमारा, और वो रिप्रेजेंट करता है जो एक मिलिट्री स्ट्रगल है उस एस्पेक्ट को। सही। मैं बहुत खुश होता अगर शहबाज शरीफ साहब सैयद अली शाह गिलानी साहब के उसमें जिक्र करते, क्योंकि वो एक आइकॉनिक फिगर हैं, वो सियासी जो जद्दोजहद है बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट करते थे, सो द पॉलिटिकल एज वेल एज द मिलिट्री, तो वो बड़ा जरूरी था उनके लिए, तो अगर वो भी साथ जिक्र कर दे, क्योंकि लेगेसी देखिए दोनों तरफ चलती है ना, जहां बुरहान वानी की लेगेसी है वहां एक सियासी लेगेसी भी है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये नारा अली शाह गिलानी साहब ने मरहूम ने दिया था ना, तो उनका भी अगर मेंशन कर दे दे तो बात बड़ी जबरदस्त हो जाती, लेकिन शायद किसी को ख्याल नहीं आया कि ये भी बड़ा जरूरी था। लेकिन ओवरऑल
उन्होंने फलस्तीन का भी जिक्र किया, बाकी इस्लामोफोबिया की बात भी की और कश्मीर की बात भी उन्होंने जिक्र किया। मैडम प्रेसिडेंट, मेनी कंट्रीज गेट लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, बट सम मेक कॉन्शियस चॉइसेस विद डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस। अ प्रीमियर एग्जाम्पल इज आवर नेबर पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism.